कांग्रेचुलेशंस, आप सब ने आज का इन्वेस्टिगेशन सर्वाइव किया। थैंक यू सर। टीम टू, पार्थ, स्वाति, यस, आपका कम्युनिकेशन इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। पूजा, सर्वजीत, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, आई थिंक वी हैव द सेम व्यू। यस यस यस, आप दोनों सेफ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैसे ही हमारी जर्नी आगे बढ़ते जा रही है, जैसे लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं, बीइंग सेफ फर्स्ट एंड डूइंग अ ग्रेट इन्वेस्टिगेशन इज आई थिंक द बेस्ट फीलिंग अ पर्सन कैन हैव इन दिस शो। वी वर जस्ट सो सॉर्टेड एंड हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। टीम थ्री, यस सर, क्या लगता है आपको, कैसा रहा आपका? सर, आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि हमारा EMF काम कर नहीं रहा था और हमें लास्ट में कैमरे का हेल्प लेना पड़ा टू गेट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ है तो प्लीज SLS कैमरा पे भी आ जाइए। जी, दैट्स अ वेरी गुड साइन एज एन इन्वेस्टिगेटर, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वी आर सीकिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस वी हैव, एंड जब एक गैजेट काम नहीं करता तो दूसरे तरीके से हमको आंसर्स निकालने पड़ते हैं। स्टार्ट द SLS। ओके ओके गाइस, समबडी बिहाइंड अस, and that was a very good presence of mind that they had. Team 1? Yes sir. Kya hua aapke sath? We don't know what went wrong. Bacche jawab nahi de pa rahe the un gadgets ke through. Bachcho, kya tum bhi landslide ke baad yahan aaye? Mujhe nahi samajh mein aa raha ki kyun answers nahi aa rahe. तो हमने अपना SLS कैमरा खोला एंड वी सॉ सर्टन फिगर्स अराउंड द टेबल एंड टेंट के पास और इधर उधर, बट हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले। सर्वजीत एंड पूजा, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इनके साथ एंटिटीज कम्युनिकेट नहीं की? आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबल रीजन दैट वी कुड फिगर आउट एट दैट पॉइंट वाज के किड्स के एंटिटीज हैं, शायद दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ओनली हाउ टू गिव रिप्लाइज। जो स्पेक्ट्रम आप SLS में देख रहे हो वो शायद उनके लिए ईजी था एज़ कम्पेयर टू द स्पेक्ट्रम जहाँ पे वो फिजिकल वर्ल्ड में आके EMF के साथ कुछ खिलवाड़ करें। सो एज दैट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन व्हाई दे वर सीइंग द फिगर्स, बट उनको गैजेट्स में कुछ नहीं आ रहे थे। टीम टू, सेफ, आप दोनों टीमों में से किसी को तो डेयर करना होगा। कहीं ना कहीं हमें लगा कि भूति और साहिल, जिस तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशन गई थी, दे वुड बी इन द डेंजर जोन। मैं आप लोगों के पास आना चाहता हूँ। आप लोगों से दो गलतियाँ हुई हैं आज। पहली गलती ये है कि ससा आपने एक्लिमेटाइज नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जब मैंने अपने रियल लाखों से ग्रेवस्टोन्स देखे, ग्रेव्स देखे। ये बहुत बेसिक रूल है जो हमें डे वन से बताया जा रहा है। दिस इज आवर सिक्स्थ इन्वेस्टिगेशन। अगर आप अभी भी वो मिस्टेक्स कर रहे हो जो आप पहले दिन करनी चाहिए थी, दैट मेक्स कम्प्लीटली नो सेंस। दूसरी मिस्टेक जो है वो है, एज अ टीम आपने एक कार्डिनल रूल ब्रेक किया है। आपने वहाँ की एंटिटी से पूछा आप क्या यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या आप ऐसे कंडीशन से निकलना चाहते हैं? सर्वजीत, पूजा, या आप इसके बारे में विस्तार में समझाएंगे प्लीज, हमें भी और इन्हें भी और सबको। मे आई सी समथिंग बिफोर यू से? मेरा जो क्वेश्चन पूछने का जो मोटिव था कि क्या आप वहाँ से फ्री होना चाहते हैं, दैट इज ऑल व्हाट आई इंटेंड। या बट देन अभी भी अगर वो क्वेश्चन को रिपीट करोगे, इट अगेन मीन्स के डू यू वॉन्ट टू गेट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम दिस प्लेस। फ्रीडम से मेरा मतलब था कि फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। नाउ दैट यू आर एक्सप्लेनिंग वी आर गेटिंग, बट आपने वो नहीं एक्सप्लेन किया टू द एंटिटीज। इट मेंट टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, एंड दैट कुड हैव बीन डेंजरस। क्या आप यहां से निकलना चाहते हैं इज अ बिग सेंटेंस इन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। दैट गिव्स देम होप कि या तो हम इनके साथ जा सकते हैं या ये हमें मुक्ति दे देंगे। साहिल, भूति, यस सर, आपकी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हुई, आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिले। जी सर। एज सीकर जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें जवाब मिले।
स्पेशली पैरानॉर्मल वर्ल्ड, हम जिस अननोन वर्ल्ड में है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इट इज पॉसिबल कि आपके साथ कम्युनिकेशन ना हो. सो एज सीकर्स मुझे नहीं लगता कि आपको डिसअपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी स्टेजेस आपने बहुत अच्छे से की, आपने गिव अप नहीं किया. थैंक यू सर. थैंक यू. यू आर सेफ. थैंक यू सर. टीम थ्री. यस सर. आप दोनों में से किसी एक को तो डेयर करना होगा. I don't think in any of the wildest dreams मैंने ये imagine करा था कि मैं और आर्यन डेयर जोन में होंगे. जो भी सीकर डेयर करेगा, अगर उसकी डेयर कंप्लीट नहीं होती है, वो टैप आउट करता है. सो दैट विल बी द एंड ऑफ हिज और हर जर्नी. लेकिन जो सीकर है, जो डेयर बना है, अगर वो डेयर अपनी कंप्लीट कर लेता है, सो जो सीकर डेयर जिसने नहीं की है, जो दूसरा सीकर है, वो घर जाएगा. You were like, ये कैसा ट्विस्ट है और ये क्यों ट्विस्ट है. आर्यन एंड ससा, मैं चाहूंगा कि आप लोग आपस में बातचीत करके हमें अपना डिसीजन बताएं कि आप दोनों में से कौन चाहेगा आज की डेयर लेना. I did not want to do the dare. I wanted Aryan to do it and just finish it so I can go home. Cause इसके बाद जितने भी investigations होने थे, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाले थे. I didn't want to risk jeopardizing anybody just because I didn't feel like in the right headspace. Do the dare completed. Sir, I think I'll go for the dare. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ डेयर से पहले. आज की डेयर एक कॉफिन में है. इट्स अ लाइफ साइज कॉफिन. जो भी डेयर लेगा वो सिमेट्री के बीच में पूरी रात उस कॉफिन में बिताएगा. और जो आपका फेलो सीकर है, वो इस कॉफिन को बंद करके उसमें कीले ठोकेगा. आपका फेस ओपन रहेगा. जो फेलो सीकर है, वो आपको कॉफिन में नेल्स डालकर सेमेट्री के बीच में आपको अकेला छोड़कर वहां से चला जाएगा. I was like, why did I say yes? एक पाइंट एक सेमेट्री में जहाँ ऑलरेडी इतने सारे ग्रेव्स हैं, इतने सारे कॉफिन्स हैं, और उन्हीं कॉफिन के बीच में होगा एक मेरा कॉफिन सारी डेड बॉडीज के साथ. आई डोंट थिंक सो आई कैन सर्वाइव दिस. आप एक मिनट ले लीजिए, आपस में डिसाइड करके हमें बता दें. So even if you go, and if you want to go home, you can go and just tap out. That's the thing. I don't know if I'll be able to tap out. Why? For sure. Because in my last dare, I thought I would tap out, but I didn't. Why are you risking that? I'm fine with going home. I'm done messing. I'm very sorted. Sir, I think we've made the decision. I'll go for the dare. Okay. Yeah. बाकी दोनों टीमें, प्लीज गो बैक टू योर होटल एंड हैव अ रेस्टफुल नाइट. गुड नाइट. थैंक यू सो मच. टेक केयर. थैंक यू गाइस. चलिए आर्यन, लेट्स टेक यू टू द सिमेट्री. एंड राइट नाउ आई एम वेरी स्केर्ड. लाइक समवेयर माय हैंड्स आर शिवरिंग. ये कॉफिन के अंदर रहना, I just hope that I survive this dare. Steps. Mind your steps, guys. It will be very slippery. अमित भाई आराम से. हाँ ब्रो, आप उसको लाइट दे दो. या मैं चाक करके भी इस कॉफिन से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ससा उस पूरे कॉफिन को नेल करके बंद कर देगी. सो इट्स नॉट इन माय हैंड टू कम आउट इफ आई वांट टू. आई डोंट नो दैट इफ आई एम रेडी फॉर दिस और नॉट.
दिख रहा सबको? यस 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 आई कैन सी। दिस पार्ट वुड बी ओपन। यस ओके। कॉफिन तो फिर भी ठीक था, लेकिन दो ग्रेव्स के बीच में कॉफिन? सो कोल्ड। आई एम बी ब्रेव। गो पीछे, गो पीछे। माइंड योर हैंड्स। It is a wooden coffin, like an actual coffin. I feel like a dead body. I'm sorry, Aryan, but you'll get out, don't worry. Be brave, okay? You got this. Here's our SLS camera. Yeah, we have one more gadget actually. Yeah, the rim cord. Yeah. अब हम आपको अकेला छोड़ के जाएंगे. Let's go. Yeah. Okay. Best of luck. All the best. Okay. You got this. Yeah. Okay. We'll see each other okay, after so all sir, of this. अब हम लोग चलेंगे. Thank you, okay. sir. मैंने तो मुझे all the best कह रही है, लेकिन हूँ मैं यहाँ पे तेरे वजह से ही. कहीं ना कहीं तूने acclimatize नहीं किया. And that question was also yours. अभी ये लोग गए भी नहीं हैं, and I can see like very big figures in front of me already. I don't know what to say because I'm seeing a lot of figures. That's scary. कभी-कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे जस्ट लेके साइड में भी देखूं, लेकिन I'm just too scared. अगर साइड में मुझे कुछ दिख गया, I don't know how will I react. मैं दो अलग अलग कफन के बीच में लेटा हुआ हूँ, विच इज अभी सोचा नहीं था ये करूँगा. प्लीज ये रात जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए. आई कांट डू दिस एनीमोर. आई नो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स ऑलरेडी गेटिंग टू मच. ग्रीन लाइट स्टार्ट्स बीपिंग, बीप 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 बीप. कभी कभी छोटे बीप्स, कभी कभी लंबे लंबे बीप्स. आई डोंट नो व्हाट इज इट, क्योंकि ये सब कुछ रिम पॉड के ऊपर ही हो रहा है, एग्जैक्ट ऊपर. मैंने रिम पॉड पे पहले कभी भी इतने रिस्पॉन्स नहीं देखा, नॉट इवन व्हेन आई वाज आस्किंग क्वेश्चंस. आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने का या फिर आपको हार्म करने का. यहाँ पे मैं बस एक डेयर के लिए आया हूँ, थोड़ी देर में चला जाऊँगा. परेशान करने में आपको कभी नहीं आऊँगा. आप खुश, मैं खुश. And there was a very big green light with a constant beep. That time I felt, शायद अभी मेरी life थोड़ी danger में. You're strong, Aryan, you're strong. You're stronger than this. You're stronger than this. I'm chanting all the mantras I know. I'm doing everything I could. जो भी मेरे दिमाग में उस वक्त आया, वो रिपोर्ट अभी भी उतना ब्लिंक कर रहा है और बीप कर रहा है.
Chairman can go check up checkup is still look around the other people. महावीर विक्रम बजरंगी कुंजवाल समित के संगे कंचन मुरास वेशा कानून कुंजित कुंजित के समाज प्रचार जगराज जी कांदे मूर्छने वेशा जी अरे सुनाई भी दे रहा है और उसको दिखाई भी दे रहा है. ट्वाइस ही टर्न्ड टुवर्ड्स हिज राइट एज इफ कुछ है. एक बार ऊपर भी चेक किया. और इरिस्पेक्टिव द स्टिक फिगर इज वेरी परमानेंट. या बार बार ए बन के आ रहा है इसमें लाइक ए आर आर्यन लिखना चाह रहे हैं. डू यू वांट टू राइट आर्यन मे बी. इज इट अ यस. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं गया क्योंकि अगर मैं ज्यादा डेप्थ में जाता तो शायद मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चलती जो जिसे मैं खुद डर जाता. और उस वक्त आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी काम. सो सर क्या ख्याल, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस राइट नाउ? क्या ख्याल आ रहा है जब आपने कील ठोकी अपने know what to do now. What was that? Blood is showing. What the fuck? इस वक्त रिपोर्ट पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं दैट इज क्रेजी. इट इज जस्ट नॉट ग्रीन लाइट. इट इज ग्रीन रेड पर्पल लेवेंडर आई डोंट नो व्हाट ऑल कलर इट हैज. लेकिन ऑलमोस्ट रिपोर्ट की सारी लाइटें चल रही हैं. What the fuck? At this point I'm thinking कि I should quit it. त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युमोक्षीमामृत. बहुत बारिश हो रही है. मेरे को बीमार नहीं पड़ना है. मुझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और पूरी रात गुजारूं तो गुजारूं कैसे. आर्यन. यस सर. लेकिन तभी थोड़ी देर में अमित सर आए. यू ओके? आई डोंट नो सर. इसमें as long as it was green light I was fine but it is like blinking. I don't know, like blue, don't purple. Don't worry, I'm here.
Can I get some water? Yes. आर्यन के लिए कोई पानी लेके आएगा प्लीज? So proud of you, bro. So proud of you, sir. आर्यन के लिए कोई पानी देगा? Thank you so much. आराम से, आराम से. Just sit down for 2 minutes. Get your breath. Wait up. Wait up. And try to take nose breath. है ना? Come. You okay? Yeah. Yes, sir. It's cold. आर्यन. Yes, sir. कि आपने काफी रात अकेले देर को किया, अपने डर को काबू में किया और आपकी एक बार भी हार्ट रेट ऊपर नहीं गई. आप सेफ हैं. थैंक यू सो मच सर. प्लीज गो होम. विल गो टू वर्ड्स दिस सर. सॉरी, इट्स ओके. डोंट थिंक अबाउट दैट. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. आई एम लिटिल प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. Can I give you a Of course. Good answer? I'll always be grateful. You're welcome. Go. Go to your hotel. Thank you so much, Take sir. Care, sir. आज आपकी जर्नी यही खत्म होती है पर आपकी लाइफ की जर्नी चलती रहेगी. You've been amazing. You've been awesome. You've been a true seeker. And I wish you Thank you, the sir. Very best. Yes. Okay, Thank you give so me much, sir. It's been such an honor to meet you and be in your presence. No, such not a at all, great not at all. No. God bless you. Thank you, मैंने आप लोगों को कहा था कि MTV Dark Scroll इसकी जर्नी जो है इतना आसान नहीं है. अगले हफ्ते मिलते हैं एंड स्टे विद अस ऑन MTV Dark Scroll. I'm very excited to go back and tell everyone this is gone because everybody wanted her to go home, not me. Hello, hello. No, baby, Mujhe pata tha. Was happy, which made me happy. लेकिन अभी हम जा रहे हैं पार्स और साइंस को जगाने के लिए. इनिशियली तो कोई रिएक्शन नहीं था, बहुत नींद आ रही थी, कोई रिएक्शन नहीं था. फिर जब धीरे धीर्य वी वर कमिंग बैक टू रियलिटी तब तो कि आर्यन वापस आ चुका है. हम नीचे जाके बैठे भी. फाइनली ससा इस शो से जा चुकी है. गुड बाई सोनी. मेरे कॉफिन में मेरे को इतना बॉडी वॉश ऊपर मेरा और बाकी पूरे बॉडी वॉश कवर्ड इन जो कॉफिन. कॉफिन के साइड में वो रिम पॉड रखा हुआ था. मेरे को वो कैमरा होल्ड करना था. जब तक मैंने होल्ड किया वो ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली मेरे सामने एग्जैक्ट सामने बहुत बड़ी बड़ी फिगर ग्रीन लाइट की और वो सीधे रिम पॉड पे पॉइंट कर रही है और रिम पॉड बीप कर रहा है पूरे टाइम. वो अच्छा बहुत ज़्यादा पिंक पर्पल होने लगा और दैट वाज द टाइम की पिंक. आई गॉट वेरी स्केयर्ड कि अब क्या हो रहा है. मतलब जब तक वो ग्रीन था तब तो मैं फिर भी ठीक था. बीप 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 ऐसा सा हो रहा था. वाज फाइन. बीच में फिर आया उस पर ए बन करके आर बन के तो मैंने कहा कि आर यू ट्राइंग टू राइट आर्यन. कहता बीप. अच्छी इज इट अ यस. बीप. फिर मैंने बोला आर यू मैड एट मी. बीप. भाई फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ समय बिताने के लिए आया हूँ. मेरे कोई टेंशन नहीं आपको हार्म करने. So proud of you, Arun. So I was really proud of him, but I was also really happy कि सासा finally जा चुकी है.